माइंड कंट्रोल करने के तीन रास्ते मैं आप बताने वाला हूँ। देखिए, हर एक को लगता है कि अपना माइंड कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि माइंड हमारा ताबे में नहीं है। हम ठहराते एक है, करते नहीं है। रात गई बात गई, ऐसा होता है कि रात को हम कुछ सोचते हैं, सुबह उठने के बाद में सब भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, मैंने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये थॉट्स आते रहते हैं और कुछ समय बाद भी वो थॉट्स निकल जाते हैं। मगर यदि आप कुछ थॉट्स आपके दिमाग में कंसिस्टेंटली रखेंगे और बार बार दोहराएंगे तो डेफिनेटली आपका बॉडी आपका माइंड दोनों भी फिट रहेगा और उसका फायदा सभी पूरे लाइफ में होगा। तो आपका माइंड कंट्रोल करना है तो पहला रास्ता जो है वो है अपनी बॉडी फिट रखना। बॉडी फिट रखना बहुत ही जरूरी है। बॉडी ठीक नहीं है, बॉडी की वाट लगी हुई है, बॉडी में बदन में दर्द है, घुटनों में जोड़ों में दर्द है, डायबिटीज बहुत बड़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और बहुत कमजोरी आई हुई है, तो क्या फायदा है? माइंड क्या करेगा? माइंड की बहुत कुछ इच्छा है करने की, कुछ नहीं कर सकेगा। तो आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी फिट होना चाहिए और बॉडी फिट होने का एक ही तरीका है और वो है रेगुलर एक्सरसाइज। 40 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज करो कि जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा और एक स्टेमिना आपका मतलब एक टेस्ट हो जाएगा कि वे देखो इतना दौड़ने के बाद में, इतना एक्सरसाइज करने के बाद में भी अपन सस्टेन कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। 40 मिनट आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत फिटनेस आपका आ जाएगा। और दूसरा है कि भाई खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा। दोनों भी आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी आपको दाद देगी और आपको सपोर्ट करेगी। आलस आता है लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, लोग बोलते टाइम नहीं है, तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। 24 घंटे में सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, 24 घंटे में सिर्फ 40 मिनट करने का है। आप आपके बॉडी के ट्रस्टी हो, विश्वस्त हो और आपने वो तो करना ही होगा। आपको मतलब एक कार है आपके पास में, तो आप कार को ले जाते हैं गैरेज में और गैरेज में ले जाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, रेगुलरली ले जाते हैं। वैसी बॉडी भी गैरेज में ले जाना चाहिए और वो गैरेज है जिम, यदि आप घर नहीं कर सकते तो, और वहाँ जिम में जाके रोज उसकी मरम्मत करना चाहिए। तो ये हो गया बॉडी फिटनेस, जिससे माइंड फिट रहेगा और माइंड कंट्रोल में आएगा। बॉडी बहुत तकलीफ देती है ना, बॉडी मतलब जैसा बॉडी ना बोलती एक्सरसाइज करने के लिए, तो बॉडी की एक्सरसाइज बोलो तो बहुत जान पे आता है। तो आपने ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज मतलब तकलीफ के बदले एक्सरसाइज मतलब अच्छा लगना। लॉन्ग टर्म में अच्छा हो जाएगा, आज मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मुझे फ्यूचर अच्छा है, मैं लॉन्ग टर्म में क्या क्या कर सकता हूँ उसका चित्र निर्माण करके वो करना। तो वो है फिटनेस, बॉडी फिटनेस और एक्सरसाइज, नंबर एक। नंबर दो जो है वो है इंटेलेक्ट से काम करना। इंटेलेक्ट से काम करना इसका मतलब है मेरा कि देखिए, हम लॉजिकली इंटेलेक्चुअली हमको सब मालूम है, नॉलेज से कुछ फायदा होता नहीं, मगर जब काम की बात आती है कि एक्शन करने की बात आती है, एक्चुअली वर्क करने कृति करने की बात आती है, तो इंटेलेक्ट रहता बाजू में और इमोशन बीच में कूद जाता है। इसलिए हमेशा जो है वो इंटेलेक्ट को काम मिलाओ, लिखो कि भाई मैंने एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, लॉजिकल एस्पेक्ट उसका क्या है, क्यों ना क्यों मतलब क्या क्या है उसका, और लॉजिकली कोई भी काम करना है तो क्यों करना है। समझे, खाता बिजनेस करना है, हाँ लगता है, इंस्पायर्ड हो गए, मोटिवेट हो गए, लॉजिकली सोचो, रियलिटी में सोचो क्या फायदा होगा, सक्सेसफुल होगा, 10 लोगों को पूछो मार्केट में क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि इमोशन में बहकाव में आके कुछ भी चालू कर दी। एक्सरसाइज का भी वैसे है कि इमोशन में आते हैं, रात को सोने के समय बोलते कि नहीं नहीं मैं कल सवेरे उठूंगा, और कल सवेरे उठने के बाद में अलार्म जब बजता है तो अंदर की आवाज मतलब ब्रेन ये बोलता है कि भाई आज के दिन जाने दे, कल से चालू करें, कल से चालू करें, उठ कल से, आज नहीं, आज अभी तो सो जाओ, आज के दिन आधा घंटा सोया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आज का दिन सोया तो क्या होगा। वैसे तो बाजू वाला जो है दिन रात सोता था, आखिर अटैक आ गया उसको, मैंने आज सोया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, जान दो ना, वैसा भी रात को मैं बहुत लेट सोया था, आज का दिन सो लूंगा और कल से फिर उठूंगा। ऐसे अपने आप से आप बातचीत करते हो और 6 बजे का अलार्म 7 बजे का कर देते हैं और 8 बजे उठते हैं। तो भी आपको एक बार लिखा है और इंटेलेक्ट ने लिखा है, लॉजिक ने लिखा है, रियलिटी चेक और उसके लिए स्ट्रक्चर कि भाई मैं उठूंगा मतलब उठूंगा, करूंगा मतलब करूंगा, इमोशन के बहकावे में आने का नहीं है। आप प्लान भी बनाते हो तो उसमें इमोशन लाने का नहीं है, जैसे कोई और किसी के लिए प्लान बना रहे तो इमोशन नहीं लाएंगे, आप वास्तविकता से जुड़ा हुआ प्लान बनाएंगे, वैसा आप नहीं ले करना है। इंटेलेक्ट इसलिए काम में आता है क्योंकि इंटेलेक्ट से किया हुआ काम जो है सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू इमोशंस। तीसरा जो है वो है एग्जीक्यूशन। पहले हो गया एक कि आप कर रहे हो, अलार्म लगा के कर रहे हो, इच्छा है वो बताया मैंने, मालूम है, इंटेलेक्ट है मतलब ज्ञान तो पूरा है, अभी उसको एग्जीक्यूट कैसा करेंगे, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूट में क्या है कि इमोशंस काम में आते हैं, मतलब जब कृति करने की बारी है तो हम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे, परसों करेंगे, नहीं नहीं ये बहुत कंटाला आ रहा है, बहुत जान पे आ रही है तो ऐसा करेंगे, ये बाद में कर लेंगे, हम क्या इजी इजी कर लेंगे, मोटा जो काम है, जो तकलीफ वाला काम है बाजू में रखेंगे और वो करेंगे नहीं। तो इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन, तो आपको एनर्जी लानी पड़ेगी मोशन में और एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अब एग्जीक्यूट आपको करने देता नहीं है मन,
तो फिर क्या करेंगे? इमोशंस यदि आती है तो फिर क्या करना है? तो आप इमोशनल ब्रेन जो है उसको बच्चा समझो, उसको समझाओ कि बेटा तू उठेगा नहीं, तू एक्सरसाइज नहीं करेगा तो देख जल्दी अटैक आ जाएगा, जल्दी डायबिटीज का शिकार बन जाएगा, जल्दी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। उसको समझाओ, हॉस्पिटल में जाके उसको लेकर बताओ कि देखो कैसे पेशेंट पड़े जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया था, कैसे उनकी वाट लग गई। तो ऐसा उसको बच्चे जैसा ट्रीट करके, उसको डरा के धमका के उससे एक्सरसाइज करवा के ले लो, एक ही हो सकता है। तो ये बच्चों को जो इमोशनल ब्रेन है डर बताने का है, और डर बता बता के उससे काम करवाना है कि भाई नहीं ऐसा नहीं किया तो मुझे ऐसा होगा। और फिर और एक काम कर सकते हैं कि भाई यदि मैं एक्सरसाइज करूँगा तो क्या संभव है, क्या संभव है? मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा 6 महीने बाद में तो क्या संभव है? तो ये जो है वो क्यों तैयार करना पड़ेगा, क्यों एक्सरसाइज करना है तो क्यों एक्सरसाइज करना है। और जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, व्हाई क्रिएट हो जाएगा कि व्हाई एक्सरसाइज, तो आप उठना चालू करोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने में ही मजा आ रहा है, अदरवाइज एक्सरसाइज करने में दुख होता है, तकलीफ होती है, तो एक्सरसाइज करते समय ही मजा आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं हम? और वो क्रिएट करना पड़ेगा कि देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं ना, बहुत मजा आ रहा है। और हम अपने आप को अफर्मेशंस दे रहे, अपने ब्रेन को अफर्मेशंस दे रहे, वहीं के वहीं एक चित्र तैयार कर रहे कि अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, अभी मैं फिट हो रहा हूं, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मैं कुछ भी काम आज कर सकता हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे आप अफर्मेशंस अपने आप को दे सकते हो, और अफर्मेशंस देख के अपने ब्रेन को बार 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 अफर्मेशन देख देख के उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, लाइन पे ला सकते हो। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आनंद आ रहा है, एक्सरसाइज करने में मजा आ रही है, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कितना दुख है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या तकलीफ हो जाएंगी, वो उसको बता रहे हैं ब्रेन को। तो फिर क्या हो जाएगा, वो ब्रेन को आदत लग जाएगी। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो आदत लग जाएगी, और एक बार आदत लग गई तो फिर ब्रेन से आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपको ब्रेन ही वो करने लगाएंगे एक्सरसाइज, फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैं 6 किलोमीटर रोज चलता हूँ, और मुझे बचपन से आदत है दौड़ने की और चलने की, तो अभी भी आज भी मैं रोज चलता हूँ, और नहीं चला तो मुझे तकलीफ होती, नहीं चला मैं तो मुझे कैसा कैसा लगता, और चला तो अच्छा लगता है कि नहीं मैंने एक्सरसाइज किया। तो ये रेगुलर करना बहुत ही जरूरी है, और वो हैबिट लगाना जरूरी है कि ब्रेन को आप हैबिट लगाते हो, और हैबिट लगा के ऑटोमेटिक ऑटो पायलट के ऊपर ब्रेन को डालते हो। अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक हॉट स्टेमिना करके एक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ता वाला है। यदि आपको चाहिए तो नीचे लिंक दी हुई है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, आपको वो प्रोडक्ट आपके घर में पहुंच जाएगा। हॉट स्टेमिना है, अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आप बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म के भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।